हेलो दोस्तों, आज चल रहे हैं फिर हम सीसवा डैम घूमने के लिए। रुत्विका कैसा लग रहा है घूम के आज बाहर? अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद जा रहा है बाहर घूमने? बहुत दिनों बाद। आज रुत्विका कंप्लेंट कर रही थी कि मेरे को घुमाने बाहर नहीं लेके जाते, तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट 3 महीने बाद इसको घुमाने लेके जा रहे हैं। काफी टाइम से ये बीमार भी चल रही थी, तो अवॉइड कर रहे थे इसको बाहर घुमाने के लिए। और ये आज ये भी ऑलमोस्ट 3 महीने बाद ही बाहर निकल रही है घूमने के लिए, तो वो भी मजबूरी में, क्योंकि रुत्विका को हमारे साथ जाना है, दोनों मामा पापा के साथ में। तो अभी जा रहे हैं सीसवा डैम, जो है यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ से, और निकल चुके हैं। और सीसवा डैम के पास में ही मेरा कॉलेज भी है, अगर पॉसिबल हुआ तो रुत्विका को मेरा कॉलेज भी दिखाएंगे आज। तो अभी हम पहुँच चुके हैं धनास, और ये पूरा साइड में जितना भी है मार्बल मार्केट है, और ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लेंथ में कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। तो ये आ गया है न्यू चंडीगढ़, अभी चंडीगढ़ से निकले और न्यू चंडीगढ़ में एंटर हो गए। तो ये रीजन आता है एक्चुअल में पंजाब का। 2007 में जब हम कॉलेज आया करते थे कॉलेज बस से, तो ये रास्ता जो था हाईवे है ये बना नहीं था बिल्कुल भी। ये साइड में ये पुल देख रहे हैं आप, ये वाला, इधर से होके बस जाया करती थी, और हमें कॉलेज पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगता था। हर जगह यहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, और आज से लगभग 15 साल पहले यहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत हुआ करते थे। और ये सामने बनी है मेडी सिटी, वो सामने जो रेड और क्रीम कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं वो है हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल नया बना है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था आगे। जब फर्स्ट सेमेस्टर में था मैं बीटेक के, तब ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये ब्रिज बना नहीं हुआ था, तो साइड में से एक नदी जाती है छोटी सी जो बरसाती नदी है, तो हमारी बसेस उसके अंदर से होके निकलती थी। और ये साइड में जितने भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे, ये सारे के सारे भांग के हैं, आपको मैं रुक के दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये सारे के सारे भांग के पौधे हैं यहाँ पे। तो बस में इतना मैं यूज्ड टू नहीं था बस में इतना ट्रैवल करने का, गर्मी का मौसम हुआ करता था तो मेरा हेडेक बहुत हुआ करता था, तो इसकी खुशबू मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, तब मेरे को पता नहीं था कि ये भांग के पौधे होते हैं। तो एक दिन पापा ने मेरे पॉकेट में इसके पत्ते देख लिए, और उस टाइम पे बहुत डांट पड़ी कि तू भांग कब से ये खाने लग गया। तो ये इंसिडेंट भी कुछ ऐसे ऐसे अब याद आते हैं कॉलेज के। और ये बैठी बैठी यहाँ हंस रही है, सामने आ गया बोर्ड, यहाँ से अभी लेंगे हम राइट। इधर की ब्यूटी देख रहे हो खेतों की, पूरे गांव वाली फीलिंग है यहाँ पे। इधर गेहूं की कटाई अभी हुई नहीं है, सारी ढह गई है क्योंकि तूफान आया था अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे, और इस साइड सब काट के रखी हुई है इन्होंने। ये आगे है ढाबे, जो हम कॉलेज के क्लासेस वगैरह बंक मार के, अब तो खैर ढाबा यहाँ पे नहीं रहा, इधर एक ढाबा हुआ करता था, बंक मार के हम यहाँ पे मैगी खाने आया करते थे। तो काफ़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ करता था पहले, सिर्फ खेत ही खेत होता था, और धूप गर्मियों के टाइम पे तेज धूप होती थी। काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे एरिया ये पिछले 10-15 सालों के अंदर। ये गेट है इधर, एक बार सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से तो मिल गया परमिशन हमें, अब रुद्विका को दिखाएंगे कॉलेज। इधर पार्किंग में कार पार्क कर देते हैं। कुछ बोलना चाहोगे गाड़ी से उतरने से पहले? रुद्विका कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बहुत अच्छा लगा। वाह, ये एडमिन ऑफिस सामने, ये वाला जो देख रहे हो ये एडमिन ऑफिस है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस, डीन यहाँ पे बैठते हैं। ये फाउंटेन है, अभी तो पानी नहीं है इसके अंदर, जब नया सेशन शुरू होगा ना तब ये स्टार्ट करेंगे इसको। अब आपको कैंटीन दिखाऊं जहाँ पे खाना खाते थे हम फर्स्ट ईयर में थे, तब ये कैंटीन बनी नहीं थी तो हम बाहर जाते थे खाना खाने। ये वाली सामने कैंटीन है, और इधर कोने में जिम है यहाँ पे। आपको पता है पापा का एक फ्रेंड था जो राजस्थान से है, जयपुर से, जहाँ आप घूमने गए थे ना, वो सामने वाली बिल्डिंग में उनकी क्लास थी, वो सामने वाली में। हाँ, आर्किटेक्चर देखो, इधर आओ, ये जो बिल्डिंग है ना सामने, ये बिल्डिंग ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ पे पापा की क्लास होती थी। पापा ने 4 ईयर्स इसी बिल्डिंग में निकाले हैं यहाँ पे, ये पीछे तक है लंबी तक। हाँ, तो ये बिल्डिंग है हमारी, ये पीछे काफ़ी लंबी है, यहाँ पे पूरे 4 साल निकाले हैं बीटेक के हमने। और यहाँ पे होता था
फी काउंटर, अगर हमारी सप्लीज वगैरह आती थी तो यहाँ पे आके हम फीस उसकी पे करते थे ताकि री एग्ज़ाम कर सकें उसका। अब ये सेमिनार रूम बन गया है, यहाँ पे पहले हमारी लैब्स हुआ करती थी, इलेक्ट्रिकल लैब तो अभी भी है सेकंड वाली, और इधर बैक साइड पे वर्कशॉप्स होते थे। ये फर्स्ट ईयर में जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स होती थी, वेल्डिंग शॉप या कारपेंटर शॉप, वो सारी की सारी वर्कशॉप यहाँ लाइन में है पूरी। अब ये देखो, ये पूरी बिल्डिंग होती थी हमारी इंजीनियरिंग की, बीटेक स्टूडेंट्स की। हाँ जी, हर वीक एक क्लास हमारी इधर होती थी, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट होता था इस क्लास में भी। और वो सामने बॉयज़ हॉस्टल है वहाँ पे, और इधर गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है पहले से, जिस टाइम हमने एडमिशन लिया था तब कॉलेज सब बन ही रहा था, नया नया स्टार्ट हुआ था। ये हमारी इलेक्ट्रिकल लैब्स होती थी, अभी तो लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। ये फिज़िक्स लैब आ गई, फर्स्ट ईयर की जितनी भी लैब्स थी वो सारी यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे थी। ये फिज़िक्स लैब और ये केमिस्ट्री लैब, ये वाली जो लेक्चर हॉल है, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में लेक्चर हॉल हुआ करता था, अभी तो पूरा बंद है। और यहाँ से आपको पीछे चल के दिखाऊंगा, पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग इसी बिल्डिंग में हमने निकाली है। ये नोटिस बोर्ड हुआ करता था हमारा, जहाँ पे हमारा रिजल्ट आया करता था, पता चलता था कि सप्लीज आ रही हैं एग्ज़ाम के बाद। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे क्लासेस हमारे पास चेंज होती रहती थी सेमेस्टर या ईयर वाइज। हाँ जी, सर भी थे मैम भी थे। ये देखो, ये जो कार बनाई है ना, ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो बनाते हैं ऐसी कार यहाँ पे। देखिए, ये किसी मैकेनिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट होगा जिन्होंने ये बनाया है यहाँ पे अभी। और ये जो लॉबी है, ये आपने काफ़ी पंजाबी सॉन्ग्स में देखी होगी, अगर आपको याद नहीं है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे कोई भी पंजाबी सॉन्ग और ऐसी लॉबी आपको दिखेगी, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इसकी शूटिंग कौन से कॉलेज में हुई है। ये सेक्शन है जो ये आईटी ब्लॉक है, ये है वो फी काउंटर जो मैं आपको बता रहा था कि अगर सप्लीज आती है तो इसी काउंटर पे हम लाइन लगा के खड़े होते थे सप्ली का री एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी फ़ीस यहाँ पे डिपॉजिट हुआ करती थी। और ये जो पूरा है, ये है, अभी चल रहे हैं कैंटीन की तरफ, आपको कैंटीन भी दिखाता हूँ। ये काफ़ी अच्छा हॉटस्पॉट है शूटिंग का भी। ये इवन जब हम बीटेक कर रहे थे तब भी यहाँ पे काफ़ी सॉन्ग्स की शूटिंग हुई थी, और आज तक होती जा रही है अभी भी। कैफेटेरिया के अंदर जाने के लिए इधर से पूरा पीछे से घूम के हमें आना पड़ता है। इधर ही डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भी है, जहाँ पे हम फोटोकॉपी कराया करते थे जब एग्ज़ाम्स आते थे। पूरे 4 महीने तो बस ऐसे ऐश करते थे, और लास्ट का 1 महीना जब एग्ज़ाम आते थे तो नोट्स ले लेके फोटोकॉपी कराया करते थे। ये एंट्री फूड कोर्ट की, यहाँ पे ये कैंटीन है जहाँ पे बैठ के हम मोस्टली अपना टाइम निकालते थे। अभी बच्चे बैठे हुए हैं सारे खाना खाने के लिए। ये जिमनेजियम है, अभी तो बंद है पूरा। कॉलेज के टाइम पे जब एनुअल फंक्शन होते थे, स्पोर्ट्स मीट होती थी, तब शॉट पुट में पार्ट लेता था हमेशा मैं, तो उसके 1 महीने पहले यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता था इधर में। वो देखो अंकित, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ निशानी लेके जा रही है कॉलेज की। यहाँ शॉपिंग करनी है। इधर जो कॉर्नर है, ये वाला मोस्टली इधर ही बैठे होते थे, हमारा पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप है जो। और ये वाला जो एरिया है, ये सीनियर्स का एरिया हुआ करता था इधर, तो कॉलेज के टाइम पे भी एरियाज डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ये स्टाफ रूम है जो मोस्टली खाली रहता था हमेशा। हाँ जी, हेलो करो। चलो आओ। ये था मेरा कॉलेज जो 2011 में पास आउट किया था मैंने बीटेक अपना यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ऑलमोस्ट 2023 आ गया है, 12 साल हो चुके हैं यहाँ से पास आउट हुए। उसके बाद की लाइफ इतनी फास्ट थी, जब से दिल्ली मूव हुए 12 साल कैसे निकले पता ही नहीं चला। 12 साल के बाद एक रिज़ल्ट ये रहा हमारा, हमारी शादी का पीछे आ रहा है आराम से मस्ती में घूमता हुआ। तो अब कॉलेज देख लिया, कॉलेज को करते हैं बाय बाय और चलते हैं गाड़ी की तरफ। रूडी, कैसा लगा पापा का कॉलेज आपको? अच्छा। अच्छा, और आपको मैडम? तो अभी रुके हैं यहाँ पे, रुद्विका आओ बेटा जल्दी, आपको दिखाऊं रोटी कैसे बनती है। रुद्विका को दिखा रहे हैं यहाँ का खेत,
कि गेहूं कैसे उगाया जाता है और उससे फिर रोटियां कैसे बनाते हैं। तो गेहूं आज तक रुद्विका ने देखा नहीं है, क्योंकि सिटी लाइफ में जो बच्चे रह रहे होते हैं उनको क्या पता कि जो खाना उगता है सब्जी वगैरह उसका प्रोसेस कैसे होता है और वो कहाँ पे उगता है और उसका प्लांट कैसा होता है। ये खैर चीज़ें हैं जो बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी है। ये देखो बेटा, ये होता है छोटे छोटे से, तो इसमें उगता है गेहूं। जैसे नहीं नहीं मैं नहीं लगा रहा, मैं आपको आपको बता रहा हूँ बेटा गेहूं कैसा होता है। देखो रुद्विका डर क्यों रहे बेटे, डरना नहीं है। अच्छा हाथ छोड़ो, पापा को कुछ नहीं कहेगा, ये पापा को कुछ नहीं कहेगा, छोड़ो नहीं कहेगा। अरे क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा नहीं। ये देखो ये छोटा सा, ये लो ये नीचे गिरा हुआ है, ये दिखाता हूँ आपको। ये जो छोटे छोटे से दाने हैं ना, इसके अंदर गेहूं होता है। अब इसको आप तोड़ोगे ना तो इसमें से गेहूं का दाना निकलेगा, फिर उसको हम पीसते हैं चक्की के अंदर, फिर उसका बनता है आटा। बहुत हेल्दी है ये, बहुत हेल्दी होता है ये। हाँ अकेला क्यों नहीं आ सकता, स्ट्रांग बेबी है, डरते थोड़ना है। आओ हैंड पकड़ो, चलो आओ। तो कुछ एक ऐसा व्यू दिखता है कॉलेज के बाहर से, और मॉनसून के टाइम पे पूरा ग्रीन हो जाता है ये एरिया। वो एक मूवी है ना सलमान खान और अजय देवगन की, काफी पुरानी, उसकी शूटिंग इस पेड़ के पास हुई है। ये सामने यहाँ पे पूरा पाइप पैक हो चुका था जिस टाइम शूटिंग हो रही थी। सलमान खान और सलमान खान का छोटा भाई कौन है, सोहेल खान, वो यहाँ पे आए थे उस टाइम पे शूटिंग करने के लिए। अभी